तो आप सब कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैंने पहले नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए, बच्चे जो हैं वो नाश्ता करके स्कूल जा चुके हैं, और अब मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। फिर हम नाश्ता करने के बाद चाय पियेंगे। जितना भी काम करने वाला था किचन में वो सारा कर लिया था, और डस्टिंग वगैरह जो सी थी या घर में काम करने वाला था, जैसे सफाई वगैरह थी, थोड़ी बहुत ही मैंने की है, ज़्यादा नहीं की। तो डस्ट वगैरह जो सी हुई थी तो वो मैंने साफ़ वगैरह किया। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका है, तो अब मैं बना रही हूँ मीठे चावल यानी जर्दा, और साथ बना रही हूँ मैं नमकीन चावल यानी तड़के वाले चावल जो से ब्राउन चावल वो वाले बना रही हूँ। तो दोपहर में इसके साथ ही जो से बर्तन है, चीज़ें जब हम बनाते हैं तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, वो भी मैं साथ साथ ही वॉश कर लूँगी, ताकि जब हम लंच वगैरह करें तो बर्तन ज़्यादा ना हो। तो इसलिए मैं खाने के बर्तन बनाते वक्त वो भी सारे बर्तन साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। और मैंने एक साइड पर चावल जर्दा से बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, दूसरी तरफ मैं शीरा बना रही हूँ, और साथ ही मैं प्याज काटना शुरू कर दिया ताकि एक चूल्हा जब फारग हो तो साथ ही मैं नमकीन चावल बना लूँ। तो इसके बाद फिर ये दोनों जो से चावल हैं अगर मिक्स करके खाया जाए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चावल। तैयार हो चुका है नमकीन चावल, भी तैयार हो चुके हैं, अब हम करने लगे हैं लंच। फिर उसके बाद फिर मैं रात का जो है वो खाना वगैरह बनाऊंगी। तो अब मेरी देवरानी जो सही है वो भी आई हुई थी, तो उनके बच्चों ने और हम सब ने मिलकर ये खाए, चावल जर्दा चावल खाए और साथ नमकीन चावल, ये दोनों को मिक्स करके खाया जाए तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हमारे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने लंच में चावल जर्दा खाए और ये वाले नमकीन चावल खाए। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद मैंने हंडिया बनाई जिसमें मैंने बनाई थी कलेजी और साथ थोड़ा सा गोश्त पड़ा हुआ था, दोनों मिक्स करके मैंने बनाया था। और मैंने गोश्त को अच्छे से धो लिया था, फिर उसको धोकर मैंने उसे टोकरी में रख दिया था ताकि उसका पानी जितना भी है वो नुचड़ जाए। फिर उसके बाद मैंने प्याज लिया, उसको काटा, साथ मैंने अदरक लिया, लहसुन लिया और मिर्चें ली, टमाटर ली, और टमाटर इसमें जितने ज़्यादा हम ऐड करेंगे उतना ही मज़े का लगेगा। तो इसमें मैंने सारी ये तमाम चीज़ें उसी वो ऐड कर दी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिर्च, लाल मिर्च जो से थी वो ऐड करूँगी, और इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है तो इसलिए मैं लाल मिर्च थोड़ा सी कम ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी,
और हल्दी जो सी वो भी मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिर्च का रंग जो सा था वो मुझे ज़्यादा पसंद है, लाल लाल जो सा कलर होता है। और साथ मैंने इसमें डाला है नमक, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और साथ ही मैंने सूखा धनिया जो सा था वो डाला है, और साथ मैंने इसमें डाला है अचार गोश्त मसाला जो सा था वो डाला है। तो उससे ये होता है कि खटास ज़रा आ जाती है, और इसमें फिर ज़रा भी गोश्त का नहीं, यानी कि जैसे बाज़ार ऐसा होता है कि गोश्त में से हल्की हल्की महक सी आना शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम इसमें अचार गोश्त मसाला डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, तो इसलिए मैंने वो डाल दिया है। और इसमें मैंने अब पानी डालूंगी, साथ में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, फिर इसमें चूल्हे पर रख दूंगी बनने के लिए। ये देखिए सालन जो है वो रेडी हो चुका है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।